अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पर जो है नाश्ता हो रहा है, नाश्ते की तैयारी, चाय बन रही है, साथ में मैंने मैंगो चॉकलेट केक ले लिया है और टी ले ली है। तो हम लोग जा रहे हैं आज वैक्सीन के लिए। तो हम लोग निकल चुके हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, और अभिया की जो है वैक्सीन लगवानी थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर कर दिया जाए आज छोटा सा। तो यहाँ पर जो है हम निकल चुके हैं, रास्ते में अभिया सो रही हैं। अच्छा, नाम जो है अभिया रखा है हमने अपनी बेटी का, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था बट नेम रिवील करना था, तो मैंने अलग से व्लॉग बनाना था, उसके लिए मैं बना नहीं सकी। तो इसी वीडियो में जो है मैंने जो है नाम भी रिवील कर दिया है अपनी बेटी का, जो नाम रखा है अभिया रखा है हमने। और यहाँ पे जो है अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, और वहाँ पर जो है वैक्सीन लगनी है। तो मैंने सोचा कि छोटा सा आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर दूं। अच्छा, यहाँ पर जो है हम लोग बैठे हैं, और साथ में मैंने छोटा सा क्लिप बना लिए हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है क्योंकि किसी के भी फेसेस आएँ, तो मुझे नहीं पसंद कि किसी की बगैर परमिशन के फेस आ जाए, तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ पब्लिक प्लेस में। यहाँ पर जो है हम लोग इम्तियाज़ आए हैं, और वैक्सीन लग चुकी थी अभिया को, तो हमने सोचा वैक्सीन लगने के बाद अब इम्तियाज़ चलते हैं, और हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम इम्तियाज़ आ गए। तो यहाँ पर जो है हम लोग बेबी सेक्शन में ही आए डायरेक्टली, क्योंकि आपको पता है सबको कि बेबीज़ होने के बाद तो अपनी चीज़ें तो भूल ही जाते हैं, बस बच्चों की चीज़ें ज़्यादातर फोकस होती हैं। तो यहाँ पर जो है हम ज़्यादातर बेबीज़ की चीज़ें देख रहे थे, ड्रेसेस और स्ट्रॉलर वगैरह, कॉट, इस तरह की सारी चीज़ें हम लोगों ने फिर देखी। चीज़ें देख देख के तो दिल करता है हर चीज़ ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो। तो यहाँ पर जो है मैं फिर टॉवल वगैरह देख रही थी, और हमने फिर कुछ ड्रेसेस बाय किए, और ड्रेसेस तो बहुत ही प्यारे ड्रेसेस थे बच्चों के। ये देखें, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ही क्यूट क्यूट से, लेकिन जो है ना अभी बहुत छोटी हैं, इनके साइज़ के इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन इतने ज़्यादा स्टाइलिश नहीं थे। बड़े बच्चों के बहुत स्टाइलिश कपड़े और बहुत प्यारे प्यारे से, तो जब बड़ी हो जाएगी तो मैं ऑब्वियसली लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं रोमपर देख रही थी, ये रोमपर्स बहुत ही प्यारे थे, इनकी जो क्वालिटी थी वो A1 क्वालिटी कह लें, और फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर जो है मैं सारा जो है देख रही थी, शर्ट्स, चीज़ें, ड्रेसेस वगैरह। अच्छा, इम्तियाज़ में जो है ना काफ़ी रिजनेबल प्राइजेज़ होते हैं ग्रॉसरी के भी हिसाब से, और ये बच्चों की चीज़ों के हिसाब से भी, तो काफ़ी हद तक जो है रिजनेबल चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मुझे ये फ्रॉक बहुत बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। देखें, इसके ऊपर से कोटी है और नीचे फ्रॉक है, देखें इस तरह बहुत ही प्यारा सा मुझे ये ड्रेस लग रहा था। साथ में ये बहुत सारे ड्रेसेस थे, तो यहाँ पे कैप्स थे, कुछ हमने कैप्स लिए और ड्रेस लिए हैं। तो अच्छा, ये जो है मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये सॉक्स लिए हैं, बहुत ही प्यारे। मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं लिया, सिर्फ मैंने एक ही अपनी ये चीज़ ली, और बाकी चीज़ें भी एक ही सारे लिए हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये सॉक्स बहुत ही प्यारे, बहुत ही सॉफ्ट से, कंफर्टेबल से थे, वेलवेटी स्टफ पे। तो मैंने कहा ये आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बहुत ही रिजनेबल भी मिले हैं मुझे ये, और बहुत ही प्यारे हैं। आई थिंक ये हमें मिले हैं 180 के, जी बिल्कुल 180 के, तो बहुत ही सॉफ्ट रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ, ये देखें, ये इतने मज़ा आ रहा था ये पहनने के बाद, इतने लग ही नहीं रहा था कुछ मैंने हैवी चीज़ पहनी है, वरना सॉक्स पहन के जो है ना अजीब सी होती है, उलझन सी, तो ये पहन के बहुत सॉफ्ट था। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं कुकिंग कर रही हूँ, अब घर आ गए थे हम, और मैंने फिर अभिया को जो है स्ट्रॉलर में ही बाहर रख लेती हूँ, मैं कुकिंग जब करती हूँ या कोई काम करती हूँ तो साथ ही अपने उसको रखती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं साथ में कुकिंग कर रही थी, मैंने यहाँ बनाया है ग्रीन चिकन कढ़ाई, और बहुत ही मज़े की बनी थी। फर्स्ट टाइम मैंने जो है इसकी रेसिपी ट्राई की है, लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनी है, मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, तो यहाँ पर रात हो गई और खाना वाना खा लिया, तो हमने फिर उसके बाद जो है हम थोड़ा सा बाहर चले गए आउटिंग पे, और हमने फिर सूप वगैरह पिया बाहर जाके, और बहुत ही
दिल कर रहा था, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो हमने सोचा फिर सूप पी लेते हैं, खाना तो खा चुके थे। तो यहाँ पर जो है अब हम बाहर आ गए और हमने जो है सूप लिया, कॉर्न सूप चिकन। सर्दियों में सूप पीने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। तो ये हम मार्केट आ गए थे और फिर मार्केट से हमने चीज़ें ली कुछ और सूप लिया। अविया जो है सो रही थी, रात हो गई थी तो सो चुकी थी, फिर हम लोग घर आए तो वो उठ गई थी। फिर उसको जो है मैंने फीडर वगैरह दे के उसको फिर मैंने उसको सुला दिया। करूँगी इसको हैंग कर देते हैं यहाँ पर, तुम्हारा सादा है अंडे वाला। तो ये हमने सूप ले लिया है, अब हम घर जा रहे हैं। और यहाँ घर जाने के बाद जो है हम घर बैठ के ही आराम से सूप को पियेंगे, क्योंकि बाहर जो है ना मज़ा तो आता है लेकिन ना उस तरह से कंफर्टेबल होके नहीं पी पाते, खा पाते। तो घर जाके हमने कहा इसलिए हम लोग आराम से इंजॉय करेंगे। अच्छा, सर्दी जो है ना काफ़ी बढ़ चुकी है यहाँ पर और इस्लामाबाद में, और आप लोगों के सिटीज़ में कहाँ कहाँ सर्दी ज़्यादा हो गई है सब मुझे कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा। तो अभी तो नवंबर चल रहा है, दिसंबर आने वाला है, तो दिसंबर में तो बहुत ही बुरा हाल होना है। और अब हम जा रहे हैं घर, और फिर मैं घर जाके आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर जो है अभिया को अब सुलाने की तैयारी हो रही है और इसको मैंने गॉट में लिटा दिया था क्योंकि सर्दी काफ़ी है, और फिर ये जो है ना सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी, तो मैंने फिर इसमें इसको लिटा कर इसको मैंने झूले दिए हैं और फिर ये मज़े से सो गई। तो फिर इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।